डॉक्टर सतीश कुमार एस ने नई पहल शुरू की है। इससे जनसुनवाई में दूरस्थ और ग्रामीण अंचलों के आमजनों को उनके निवास के समीप ही न्याय मिल सकेगा। कलेक्टर की इस पहल की लोगों ने खूब सराहना की है। भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस इन दिनों नए अंदाज में नजर आ रहे हैं। उनके द्वारा मंगलवार को जनसुनवाई तहसील स्तर पर की जा रही है, जिसकी लोग काफी सराहना कर रहे हैं। कलेक्टर ने तहसील स्तर पर जनसुनवाई की शुरुआत गोरमी से शुरू की है, उसके बाद मो अटेर और आजरौन तहसील पर जनसुनवाई की गई, जहाँ करीब 100 आवेदक उनके पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इसमें असनेट पंचायत के रोजगार सहायक सचिव राघवेंद्र सिंह को आवास के बदले रिश्वत मांगने एवं जनसुनवाई में उपस्थित नहीं होने पर और पीडीएस सेल्समैन बीरेन त्यागी को रौन के वार्ड नंबर 6 और 10 में राशन वितरण की अनियमितता को लेकर सस्पेंड किया गया है। कलेक्टर सतीश कुमार एस ने आगे कहा कि तहसील स्तर पर जनसुनवाई जारी रहेगी, जिससे लोगों को मुख्यालय न जाते हुए अपने नज़दीक तहसील स्तर पर ही जनसुनवाई का लाभ मिल सकेगा। चलो न्यायालय प्रक्रिया है, कराएंगे। मेरा आपका आवेदन आ गया मेरे पास। तहसील स्तर का जो जनसुनवाई है, हम पिछले 3 जनसुनवाई तहसील लेवल में हमने लिए हैं, ये 4th जनसुनवाई है, गोरमी, मऊ, अटेर और अभी ये रौन है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि भिंड में करने पर कुछ लोग दूरी इलाके से जो लोग हैं वो वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, दूसरा जो प्रभावी कार्रवाई है वो संभव नहीं हो पाता है। यहाँ होने पर इमिडिएटली जो यहाँ का जो आसपास का जो लोग है वो आ जाते हैं। यहाँ भी 100 से ज़्यादा लोग आए हुए हैं। यहाँ एक और फ़ायदा है, यहाँ पटवारी सचिव को इमिडिएटली हम बुला लेते हैं।